Assalamualaikum, this is my blogger और एक नए exciting video के साथ आपको welcome करता हूँ। दोस्तों आज की video में हम best WordPress theme for affiliate marketing in 2021 के हवाले से बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक full series start की है niche side project के नाम से, जिसमें ब्लॉगिंग की वेबसाइट के ए से लेके जी तक को हम कवर कर रहे हैं। मैंने इस पर खुद एक वेबसाइट बिल्ड की है, जिस तरह मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बताया है। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो आप ब्लॉगिंग की फुल सीरीज़ को फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दिया गया है आप उस पर क्लिक कीजिएगा और पूरा सीरीज़ प्लेलिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों थीम सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर एफिलिएट मार्केटिंग, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में यूज़र जब आपकी वेबसाइट पर आता है तो इंटरफेस को देखते हुए वहाँ पे कहाँ पे बटन मेंशन है, कहाँ पे लिंक मेंशन है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। एंड अगर इसमें कोई मिसिंग हुई या आपका थीम कंजस्टेड हुआ जिसमें बटन वगैरह का आइडिया न हो, तो रिज़ल्ट क्या आएगा कि आपकी रेवेन्यू कम जनरेट होगी। तो आज मैं आपके साथ ऐसे थीम शेयर करने जा रहा हूँ जो कि सिंपल होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, क्लीन एंड नीट होंगे, ऑप्टिमाइज्ड होंगे, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होंगे और उनका सीटीआर रेशो हाई होगा। थीम को सिलेक्ट करते हुए आप एक बात माइंड में बिठा लीजिएगा कि आपकी वेबसाइट की ओपनिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर एक वेबसाइट 3 सेकंड से ज़्यादा टाइम लेता है, यूज़र्स को स्किप कर देते हैं, बिकॉज उनको तो अपने प्रोडक्ट के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए और वो आपकी वेबसाइट अगर ओपन नहीं हो रही वो किसी दूसरी वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, वहाँ पे जाके बटन पे ओके कर लेंगे और उस प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। तो दोस्तों मैं आज आपके साथ कुछ बेहतरीन थीम शेयर करने जा रहा हूँ एंड आई होप कि आपको पसंद आएंगे। ये बात आप माइंड में बिठा लें कि आपका मेन पेज इतना मैटर नहीं करना जितना कि आपके पेज या आपकी वेबसाइट के इनसाइड या इंटरनल मैटर करता है, क्योंकि अगर यूज़र को आप देखें तो यूज़र नॉर्मली गूगल से एसईओ के थ्रू मुख्तलिफ लिंक्स पे आता है और वो इंटरनल पेजेस की तरफ जाते हैं। तो यस, एक्सटर्नल मैटर करता है जिस तरह एक घर के बाहर का डिज़ाइन मैटर करता है, लेकिन इंटरनल उससे ज़्यादा मैटर करता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं स्क्रीन की तरफ। मैं आपको बेस्ट वर्डप्रेस थीम फॉर एफिलिएट मार्केटिंग इन 2021 के हवाले से गाइडलाइन प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर आप मेरे लिंक से परचेजिंग करेंगे तो मुझे थोड़ा सा कमीशन मिल जाएगा और उसके रिटर्न में मैं आपकी वेबसाइट पे एसईओ का जो पेड प्लगइन है रैंक मैथ या एसईओ प्रेस वो फ्री में इंस्टॉल करूँगा। तो लेट्स गो टुवर्ड द मेन स्क्रीन। वेलकम टू माय लैपटॉप स्क्रीन। सो दोस्तों मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे थीम शेयर करने जा रहा हूँ जो कि बेहतरीन होंगे, और सबसे बड़ी बात यह क्योंकि मैं नॉन टेक्निकल पर्सन हूँ, मुझे टेक्निकलिटीज़ नहीं आती थीम के अंदर कस्टमाइजेशन किस तरीके से होती है, वो अगर ड्रैग एंड ड्रॉप एंड क्लिक वगैरह के थ्रू हो तो ज़्यादा इजी होता है, अदरवाइज़ मैं नहीं कर पाता। सो ऐसे थीम हम चूज़ करेंगे। सो सबसे पहले जो कैटेगरी आती है और मोस्टली जो मेरे वेबसाइट्स पे यूज़ होता है, दैट इज़ माई थीम शॉप। माई थीम शॉप के थीम मेरे वेबसाइट्स पे यूज़ होते हैं और इन थीम्स का कमाल ये है कि ये बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स देते हैं। तो इनमें से कुछ थीम जो है उनमें ये हमारे पास एडसेंस का थीम हो गया। एडसेंस से ज़्यादा मैं आपको जो रिकमेंड करने जा रहा हूँ दैट इज़ स्कीमा। स्कीमा क्यों? फुली रिस्पॉन्सिव रिव्यू सिस्टम है, अल्ट्रा फास्ट एंड एसईओ फ्रेंडली है, वेल डॉक्यूमेंटेड है, पावरफुल ऑप्शन पैनल है, उस पैनल के अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं और बहुत ही इजी टू यूज़ है। अब इसका जो मेन पेज है वो इंतहाई सिंपल है, राइट, लेकिन इसमें क्या है फ़ायदे की बात, आप देख सकते हैं कि वन क्लिक के साथ पोस्ट ओपन हो रहा है। दिस इज़ समथिंग जो कि हमें चाहिए गूगल लव ऑप्टिमाइज वेबसाइट। दूसरा जो हमारे पास आता है दैट इज़ सोशल नाउ। इस थीम की प्राइस जो है वो हमारे पास $59 है, लेकिन अगर आप मेरे लिंक से होस्टिंग बाय करते हैं ब्लू होस्ट का जो डिस्क्रिप्शन में है, सिंपली आपने ईमेल करना है smileblogger@gmail.com और आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट रैंक मैथ प्रीमियम और कुछ और प्लगइन्स मिलेंगे। उसके बाद दूसरा हमारे पास सोशल नाउ आता है। सोशल नाउ का अगर आप मेन पेज देखें तो शायद आप थोड़ा सा डर जाए कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन नॉर्मली हम इसे ये पोर्शन रिमूव कर देते हैं, बहुत इजीली हो जाता है। इसके बाद हम इससे ये वाला पोर्शन रिमूव कर लेते हैं, ये रिमूव कर लेते हैं, तो हमारे पास एक बहुत ही क्लीन नीट थीम आ जाता है। ये फॉन्ट वगैरह आप छोटे बड़े कर सकते हैं, तो इसको अगर आप टेक्नोलॉजी में आना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट थीम, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी माई थीम शॉप का ही थीम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। देन वी हैव एडसेंस थीम, एंड अगर आप एडसेंस लवर है, आप चाहते हैं कि हमारे लिंक्स अमेज़ॉन और एडसेंस को साथ लेके चले, तो ये एक बेहतरीन थीम है और आप इसको लेके चल सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड है। सो ये तीन थीम्स हो गए। अब मैं आपको आगे लेके जाऊंगा नई कंपनी पर और दैट इज़
वॉइस थीम। वॉइस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थीम जो कि मैं यूज़ करता आ रहा हूँ लास्ट 3 ईयर से। माय थीम शॉप की थीम मेरे तकरीबन आप कह लें कि 80% वेबसाइट्स पे अपलोड है, तो वॉइस थीम जो है वो एक दो वेबसाइट्स पे अपलोड है और इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड थीम, अ वेरी प्रोफेशनल थीम अगर आप इसको ओपन कर लेते हैं, बट द इशू इज़ कि आपको कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा। ये है कि कस्टमाइजेशन में थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा, लेकिन यह है कि थीम काफ़ी प्यारा है और आप इस थीम को यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा हैवी भी है एज़ कम्पेयर टू माई थीम शॉप, हैवी है, लेकिन यह है कि अगर आपकी होस्टिंग अच्छी है, अगर आप ब्लू होस्ट वगैरह से लेते हैं, तो ये थीम काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। देन वी हैव अनदर थीम दैट इज जनरेट प्रेस। जनरेट प्रेस बहुत ही सिंपल एंड ऑप्टिमाइज थीम है, और सिंपली अगर आप इसका प्रीमियम वर्जन देख ले तो आपको $59 एंड $249 वन टाइम पेमेंट के साथ मिल जाएगा। अगर आप इसके डिज़ाइन देख ले तो अगर आप यू नो ट्रैवलिंग साइट से है तो आपके लिए बेहतरीन डिज़ाइन है। लाइक यहाँ पे इनका मैंने एक थीम चूज़ किया था, काफ़ी अच्छा लगा था और काफ़ी टाइम तक इसको मैं यूज़ करता आ रहा था। यस, एक ये वाला था, नो ये वाला फिर मैंने चेंज किया था, तो ये वाला यूज़ हुआ है। एंड इसके अलावा इसके हाँ ये वाला था, ये वाला यूज़ हुआ है। एंड इसके अलावा अगर हम नीचे जाते हैं तो लेट्स सी, हाँ ये वाला था, तो ये यूज़ हुए है। काफ़ी बेहतरीन थीम है, काफ़ी फास्ट थीम है और आपको काफ़ी मज़ा देगा अगर आप इसको ओपन करते हैं ना, तो बहुत ही सिंपल, यूनिक, फास्ट एंड ऑप्टिमाइज्ड है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से माई थीम शॉप काम करता है, सेम जनरेट प्रेस काम करता है। डिस्क्रिप्शन पर लिंक पे ओके करेंगे तो मुझे थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाएगा। एंड देन द सेकंड मोस्ट फेवरेट थीम, आप मेरा फर्स्ट चॉइस कह सकते हैं, क्योंकि जो स्कीमा वगैरह या माई थीम शॉप के थीम होते हैं वो मेरी टीम यूज़ करती है। मैं पर्सनली आई लव एस्ट्रा, मैं एस्ट्रा को एलिमेंटर के साथ यूज़ करता हूँ। बहुत ही कमाल का थीम है, बहुत ही बेहतरीन थीम है, और अगर आप इसको चाहते हैं तो आपने सिर्फ मेरे लिंक से होस्टिंग बाय करनी है, ब्लू होस्ट, क्लाउडवेज या कोई और ये मैं आपकी वेबसाइट पे फुल फीचर्स के साथ इंस्टॉल करूँगा, जिसमें तमाम तर चीज़ें आ जाती है और इसकी जो कॉस्ट है दैट इज़ अराउंड $199, तो मैं आपकी वेबसाइट पे ये इंस्टॉल करूँगा। सो मैं पर्सनली इसको यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं कस्टमाइजेशन पसंद करता हूँ। इवन जो मेरा वेबसाइट है इस्माइल ब्लॉगर, वो भी इसी थीम के अंदर ही बना हुआ है, हालांकि अभी तक ऑप्टिमाइज भी नहीं है और इसके अलावा अभी तक इसकी सेटिंग भी मैंने नहीं की, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये इसी में मैंने डिज़ाइन किया है अपनी मर्ज़ी के साथ। सो आई होप, और ये मैंने खुद किया है, आई एम नॉट अ टिकी गाय। सो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बेहतरीन थीम है और कितना ईजीली आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो आई एम यूजिंग क्लाउडवेज, तो मैंने चेंजेस नहीं की। तो होपफुली कि आपको आज की वीडियो पसंद नहीं होगी। अब कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, जिसमें आपके लिए एक स्पेशल मैसेज है। दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देखी है, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। मैंने इस पे काफ़ी रिसर्च किया है, 2016-17 से ब्लॉगिंग के इस फील्ड में से मैं वाबस्ता हूँ, बल्कि 2014 से, और मैं हमेशा ऐसा थीम चूज़ करने की कोशिश करता हूँ जिसको मैं भी लाइक करूँ, जिसको यूज़र भी लाइक करे। सो दोस्तों, अगर आपको थीम सिलेक्शन में इशू है तो कोशिश करें कि सिंपल से सिंपल थीम सेलेक्ट करें। अगर आप नॉन टिकी है लाइक मी, एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते, तो सिंपल थीम की तरफ जाए। जितना सिंपल थीम होगा उतनी ज़्यादा आपकी वेबसाइट के अंदर इशूज़ कम आएंगे। सो सिंपल, फास्ट, रिस्पॉन्सिव, ऑप्टिमाइज थीम होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप मेरे ब्लू होस्ट लिंक से, जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप थीम होस्टिंग परचेस करते हैं, तो आपको मैं आपकी वेबसाइट पे माई थीम शॉप का कोई भी थीम, एलिमेंटर प्लस जनरेट प्रेस, मैं इनमें से कोई भी आपकी वेबसाइट पे इंस्टॉल करूँगा विदाउट एनी कास्ट, प्लस SEO का प्लगइन हो गए, और इसके अलावा WP रॉकेट वगैरह, आपकी वेबसाइट कम्प्लीटली ऑप्टिमाइज होगी। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको थीम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है माइंड में तो काइंडली आप बता दीजिएगा, होपफुली नहीं बल्कि इंशाल्लाह मैं उसको मस्ट कवर करूँगा। इसी के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, नई वीडियो के साथ मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।